और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ब्रेक कैलिपर है ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके साइकिल का जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का कैलिपर है वो बहुत ही ज़्यादा जाम हो गया है, जिसके वजह से जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो तो आपका जो ब्रेक है वो अच्छी तरीके से नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है? तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ये वाली वो साइकिल है जिसको आज हम करेंगे ठीक। इसका जो पीछे का ब्रेक है ये थोड़ा बहुत जाम होना शुरू हो गया है बारिश के वजह से और धोने के वजह से। इसके ब्रेक के लीवर को दबाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा जो फोर्स और प्रेशर है वो देना पड़ रहा है, पर वहीं पर ये जो राइट साइड वाला है इसके लिए बहुत ही आसानी से ये देखो पूरा प्रेस हो रहा है, क्योंकि इसका मेरे को लगता है जो स्प्रिंग है अंदर उसमें जंग लग गया है। तो चलो इसको ठीक करते हैं आज। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है कि हम पहले तो कर देंगे इसके वायर को पूरा पूरा लूज़। जो हमारा ये ब्रेक का वायर होता है इसको हम पहले खोल देते हैं ताकि निकालने में आसानी हो जाए। 5 mm की एलन की का इस्तेमाल करके हमने इनके बोल्ट्स को निकाल लेना है। मेक श्योर करें कि जब आप इस बोल्ट को निकालें तो ये जितने भी वॉशर्स वगैरह हैं इसको ठीक जगह पे सेव करके रखें, इनको खो मत देना। जिस पोजीशन में ये थे उसी पोजीशन में, जैसा कि हमने यहाँ पे रख दिया है, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। नाउ इसको ठीक करने से पहले जो अगला काम हमने करना है वो है जो इसके अंदर ब्रेक पैड्स हैं हमारे, उसको हम लोगों ने रिमूव करना है। तो वो आप कैसे रिमूव करोगे? आप अपने फिंगर्स का यूज़ करके ऐसे पुश करके एक को आप बाहर निकाल लो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट का सरफेस होता है तो वो मैग्नेट से पकड़ा रहता है। और दूसरे वाले को भी निकालने के लिए आपने बस इसको ऐसे पुश करना है बाहर और खींच लेना है। इसके स्प्रिंग को निकालने के लिए यूज़ करेंगे हमारा मल्टी टूल का सेट एलन कीज। हमने इसके यहाँ पर जो ये छोटा सा बोल्ट है इसको हमने 4 नंबर की एलन की का इस्तेमाल करके रिमूव करना है। सो इसको मैं खोल लेता हूँ। बहुत ही सिंपल तकनीक है ये, जैसा कि आप देख सकते हो निकल चुका है स्प्रिंग हमारा। देयर यू गो, इस तरीके से ये आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। ये हमारा वॉशर है छोटा सा, एंड आप यहाँ देखो कैसे स्प्रिंग में जंग लग गया है। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस WD-40 ताकि हम इसके अंदर स्प्रे करके जो थोड़ा बहुत इसके अंदर जंग वगैरह कुछ लगा हो उसको भी ये साफ़ कर देगा। तो चलो करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बस उठा के आपने अंदर थोड़ा सा ऐसे कर देना है स्प्रे, एंड नीचे से आप कुछ इस तरीके से पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे एक बार राउंड राउंड घुमा दीजिए, जिससे अंदर अगर कुछ भी जंग वगैरह लगा होगा तो वो पूरा साफ़ हो जाएगा। जैसे अभी मैं देख सकता हूँ कि मेरे ये करने के बाद जो ये अंदर का पूरा मैकेनिज़म है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा राउंड राउंड घूम रहा है। तो इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा और फिर एक पुराने कपड़े की हेल्प से इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, ताकि एडिशनल जो भी हमारा WD-40 है वो पूरा निकल जाए। हम इधर भी पूरा अच्छे से साफ़ कर देंगे एक बार। हो सकता है कि इस तरीके के छोटे बेयरिंग बॉल्स आपके इस कैलिपर के अंदर हो सकते हैं, जैसा आप अभी वहाँ पर दिखा रहे हैं देख सकते हो। इनको आप रिमूव करके इनको भी अच्छे से एक बार क्लीन कर लो। नेक्स्ट आप कैलिपर के अंदर भी थोड़ा सा कपड़े को इस तरीके से डाल के इसको भी थोड़ा बहुत हम क्लीन कर देते हैं। नाउ समथिंग आई विल रेकमेंड कि जो साइड में आपका यहाँ पर ड्रम रहता है आप उसको भी धीरे से ओपन करके पूरा लूज करके आप इसको निकाल लो लाइक दिस। ये पूरा मैग्नेट है, और जो दूसरे साइड वाला ड्रम है उसको भी हम थोड़ा सा कर देते हैं अच्छे से साफ, ताकि उससे भी जो भी एडिशनल कुछ भी ग्रीस होगा या जंग होगा वो पूरा निकल जाएगा। नाउ सो एज यू कैन सी जो हमारा ड्रम है देखो वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है, इधर से भी अंदर से भी, एंड जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा साइड का ड्रम था इसको भी हम थोड़ा अच्छे से साफ कर देते हैं कपड़े से कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग था इसमें आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत रस्ट लग गया है, तो इसको भी हम थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं पुराने कपड़े में रख के। आप थोड़ा सा WD-40 इसके ऊपर कर दो स्प्रे, इसको भी आप अच्छे से कर दो साफ कुछ इस तरीके से। सो देयर यू गो, यू कैन सी जो हमारा स्प्रिंग है इसमें से भी हमने रस्ट को निकाल दिया है, इसको भी आप साइड में रख देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ग्रीस हम इसमें लगाएंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि किसी भी एक छोटे से इस तरीके के स्क्रू ड्राइवर में आप इस तरीके से ग्रीस को ले लो, और फिर आप अपने कैलिपर के अंदर आराम से कुछ इस तरीके से इस ग्रीस को कर दो अप्लाई। छोटे छोटे हमारे पास बेयरिंग्स थे, और फिर इन बेयरिंग के बॉल्स को आपने अंदर छोड़ देना है कुछ इस तरीके से, और ये ऑटोमेटिकली अपने जगह पे जाके पूरा लग जाएंगे। देयर यू गो, एक बार लगने के बाद इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा आप रोल कीजिए, तो जो आपके बेयरिंग्स हैं वो अपने आप ही
पूरे तरीके से जैसा अभी हमारे फिक्स हो चुके हैं। नाउ साइड के ड्रम को लगाने से पहले मैं इसमें भी थोड़ा सा ग्रीस कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ल्यूप ल्यूप का SAP। धीरे से इसको हम भी अंदर की तरफ दोबारा कर देंगे इंसर्ट। यूज़ दी एलन की 5 नंबर एंड इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे पूरा इंसर्ट, जिससे ये पूरा अंदर जा चुका है और यहाँ पे हमारा काम भी पूरा हो चुका है। अगला काम जो हम लोगों ने करना है, आप अपने स्क्रू ड्राइवर को कुछ इस तरीके से अंदर करके रखो प्रेस, ताकि ये नीचे की तरफ स्लाइड ना हो जाए। और ये जो हमारा स्प्रिंग है, इसको हमने यहाँ पे आपको छोटा सा एक होल दिख रहा होगा, आपने उसके अंदर इस तरीके से डाल देना है और इस वॉशर की हेल्प से हमने इसके अंदर पूरा इसको कर देना है पैक। सो ये हमने वॉशर प्लस स्प्रिंगर लगा दिया है एंड ये जो लास्ट पार्ट है हमारा, इसको हमने इस छेद के साथ मैच करके इसको हमने करना है अंदर फिट। नाउ ये जो अगला पार्ट है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज इसमें आपको फोर्स भी लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ बैलेंस भी करना पड़ेगा स्प्रिंग को। उसके बाद आपने इसको कर देना है टाइट, ताकि ये पूरा फिक्स हो जाए, जैसा मैंने इसको अभी कर दिया है। इन ब्रेक पैड्स को अपने कैलिपर के अंदर लगाने से पहले आप कैलिपर को थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए इस तरीके के आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करके। हल्का सा कुछ इस तरीके से आप स्प्रे कर दो अंदर बाहर, एक पुराने कपड़े की हेल्प से इसको कर लो पूरा साफ, जिससे कहीं पे अगर थोड़ा बहुत WD-40 या ऑयल वगैरह कुछ होगा तो वो आपके डिस्क ब्रेक के पैड्स में नहीं लगेगा। इन ब्रेक पैड्स को लगाने से पहले भी आप इनके ऊपर भी थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस तरीके से डाल दो। एक दूसरे कपड़े की हेल्प से हमने इसको कर लेना है साफ, ताकि ये भी पूरा क्लीन हो जाए। नाउ एक एक करके आपने बस सिंपली अपने ब्रेक पैड्स को अंदर की तरफ कर देना है पुश। लास्ट वाले को भी हम अंदर की तरफ इस तरीके से पुश करके लगा देते हैं। अब हमने दोनों ब्रेक पैड्स को अंदर की तरफ लगा दिया है, सो चलिए इसको वापस अब हमारे बाइक के ऊपर लगा देते हैं। नाउ मैं एक बार रेकमेंड करूँगा कि जो आपका ब्रेक का वायर है, अगर इसमें भी जंग लग चुका है तो या तो आप इस वायर को ही पूरा बदल दो, अगर इसमें जंग नहीं लगा है तो आप इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसको वापस इसके ब्रेक वायर्स में अंदर इंसर्ट कर दीजिए, ताकि ये भी बिल्कुल फ्रीली काम करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं। सो मैं ये हल्का सा ऑयल अपने फिंगर टिप पे कुछ इस तरीके से ले लूँगा, जैसे मैंने यहाँ ले लिया है, और इसको लेके मैं ब्रेक वायर्स में कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत लगा देता हूँ। थोड़े सा ब्रेक वायर को बाहर की तरफ खींच के कुछ इस तरीके से इसमें मैं रब कर दूँगा, ताकि इसमें भी जंग लगने का कोई भी चांस फिर नहीं रहेगा। 5 mm की एलन की का इस्तेमाल करके बोल्ट्स को टाइट कर देते हैं। पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज़ आपने छोड़ देना है, ताकि जब हम ब्रेक की वायर को लगाएंगे तब वो आराम से लग जाए। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेक के वायर को भी कर देना है टाइट। कैलिपर को थोड़ा सा इस तरीके से लूज़ रखना है, अच्छे से टाइट करके ब्रेक को प्रेस कीजिए और फिर आप एलन की मदद से पूरे जो आपके बोल्ट्स हैं उसको आप पूरा टाइट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इससे आपका कैलिपर एक सेंटर जगह पर हो जाएगा और आपके ब्रेक बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्रेक है, पहले से देखो कितना मस्त काम कर रहा है। जो हमारा ब्रेक है ये बिल्कुल पहले की तरह एकदम नया जैसे पूरा काम कर रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा टाइट था, बट अब ये बिल्कुल मस्त काम कर रहा है। देखो गाइज, अगर कोई और भी मेंटेनेंस की वीडियो आपको चाहिए हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा जो फेसबुक पेज है @cycleriderroy मेरी ID है, उस पर आप फॉलो कर लीजिए और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। अगर आपको और भी मेंटेनेंस की वीडियो देखनी है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही जो बेल का आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।